एक सवाल और मैं चाहूँगा रिजर्व सर्विस का आंसर दें, तापसी अनुभव सभी इसका आंसर दें कि 4 साल पहले राइट विंग की सरकार केंद्र में आई, उसके बाद बहुत सारी ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं हमारे देश में, बीफ को लेकर हो चाहे लिंचिंग, मॉब लिंचिंग हो किसी भी मसले पर, क्या आपको लगता है कि कम्युनल जो हार्मनी है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है इन 4 सालों में बीजेपी की सरकार आने के बाद, राइट विंग सरकार आने के बाद? आप लोगों को क्या लगता है दिनों को? आपको क्या लगता है? नहीं मैं आप लोगों की नहीं, आप भी बताइए ना, आपका भी कुछ क्या लगता है आपको? नहीं मैं सवाल पूछ रहा, आप लोग जवाब नहीं, मैं बता दूंगा, जवाब दूंगा, आप बताइए। लेकिन लगता है आपको ऐसा हो रहा है? गॉड तो दिया है जवाब फिल्म में इसका, बहुत डिस्टर्बिंग माहौल तो है जी, डिस्टर्बिंग माहौल तो चल रहा है देश जी, डिस्टर्बिंग करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। तापसी अनुभव, हाँ मतलब मैं तो जैसा कहा मुझे जो कहना था, मैं ट्विटर पे लिखता रहता था यार, झगड़े करता रहता था, फिर गालियाँ सुनता था, फिर वो घर तक पहुँच जाते थे, मेरे बाप तक पहुँच गया एक आदमी, मेरी माँ तक पहुँच गया। तो मैंने कहा इसका तो कोई तो फ़ायदा नहीं है, मैं यहाँ पे इसको क्यों जवाब दे रहा हूँ। थैंकफुली मेरे पास एक माध्यम है जहाँ से मैं देश के लाखों लोगों को एक साथ एड्रेस कर सकता हूँ। तो एक कहानी सोची और सुन के सोच के सबसे पहले सुधीर भाई के ऑफिस गया, भाग के उनको सुनाई, मैंने कहा बना दूँ ये पिक्चर, तो उन्होंने कहा फ़ौरन बना दो। तो मेरे को जो कहना था वो फिल्म में कहा है मैंने, आपके सारे सवालों का जवाब। मैं क्या सोचता हूँ, हर सवाल का जवाब होता नहीं एक्चुअली, कुछ तो सवाल ही हो जाए बहुत बड़ी बात है, तो कम से कम सवाल मिलेंगे आपको, जवाब तो हमारे होंगे, कुछ जवाब भी मिले शायद। तापसी कुछ देखिए, जैसे सर ने अपनी ओपनिंग स्पीच में कहा था ये मुद्दा सरकार का नहीं है, सो ये उसके बियॉन्ड है, आपका और हमारा है, सो वही चीज़ एड्रेस करने की कोशिश करी है। और बाकी क्या कहना चाहूँगी, क्या फील करती हूँ, जो डायलॉग बोले हैं मैंने पिक्चर में वो बहुत दिल से बोले हैं, आई होप वो आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मेरे दिल से निकले आप तक ज़रूर पहुँचेंगे मुझे लग रहा है। तो उसके लिए 3 अगस्त का वेट कीजिए, हम सबका आंसर आपको पिक्चर में सुनाई देगा।